हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं AWS सीरीज। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं AWS सर्विसेज और इस पर वीडियोस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर, मैंने कई एग्जांपल दिए जो मैं दिखाने वाला हूँ, मान लीजिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है। सबसे पहले मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि आजकल हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल है हमारे हाथ में और स्मार्टफोन्स है या फिर कोई लैपटॉप है, तो जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत सारा डेटा जो हम सेव करना होता है, जैसे फोटोज हो सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट फाइल्स हो सकती है, तो ठीक है हम यहाँ सेव तो कर लेते हैं। तो हमें जानना ये जरूरी है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। तो मैं अभी एक बात करना चाहूंगा, मान लीजिए हमारे पास अभी कोई भी इंटरनेट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, हमारे क्लाउड जो कंप्यूटिंग है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और मेरे हाथ में मोबाइल है, मेरे पास यह डेटा है जो मैंने सेव किया हुआ, कुछ फाइल्स है या कुछ पिक्स है, फोटोज है। मान लीजिए अगर ये मेरा जो मोबाइल है ये लॉस्ट हो जाए, मतलब खराब हो जाए, खो जाए, टूट जाए, तो अब जो इस मोबाइल के अंदर डेटा था मैं उसको दूसरे मोबाइल से कैसे एक्सेस करूंगा, पहली बात तो ये आती है, या उसको मैं कंप्यूटर से कैसे एक्सेस करूंगा, या फिर वो आप ये किसी और सिटी में थे ये और आपका मोबाइल ठीक चल रहा है, चलो ठीक है, या मैं दूसरी सिटी में चला जाता हूँ, मेरा मोबाइल यहाँ घर रह जाता है, या कंप्यूटर था मेरा उसमें लैपटॉप था उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स है, अब अचानक मैं दूसरी सिटी में जाना पड़ा, वहां मुझे रिक्वायरमेंट हुई कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने थे, चेक करने थे, तो तब क्या होगा, यानी कि कहीं भी सिस्टम आपका ठीक नहीं बैठ रहा है, ठीक है, या मैं उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहा जो मुझे चाहिए था। अब यहां से शुरू हो जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट दोस्तों। तो अभी तक तो हमारा ये था कि हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे ऐसा तो नाम, मतलब मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है, या तो वापस आइए आप अपने सिटी में जहां पर घर में आपके मोबाइल रखा है उसे देखिए, लेकिन ऐसा कितना संभव है आप सोचिएगा, मोबाइल खराब हो गया, अचानक पानी में गिर जाए, कहीं चला जाए, लॉस्ट हो जाए, तो अब डेटा का क्या होगा, पता नहीं। तो अब यहां से देखिए, मैं सबसे पहले आपको या वन से क्लाउड कंप्यूटिंग वन वाला जो कॉन्सेप्ट है सिखाऊंगा ऑफलाइन का। तो जो मैंने अभी बताया बिल्कुल उसी तरह से, ये यूजर वन है, ये यूजर टू है। मान लीजिए हमारे पास, अभी तो आपने सुना होगा कि गूगल ड्राइव, सुना होगा आपने, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है आप गूगल ड्राइव पर सेव कर लेते हैं, या अपने कुछ पिक्स है वहां सेव कर लेते हैं। मान लीजिए मोबाइल खराब हो जाता है आज की डेट में, तो आप दूसरा मोबाइल लेकर आएंगे तो वहां से वो एक्सेस करना संभव हो जाएगा, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक उदाहरण है दोस्तों। तो अब वो आप कहीं ना कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या पिक्चर देख रहे हैं आप नेटफ्लिक्स पर, वो भी क्लाउड पर जो है एक डेटा के तौर पर स्टोर है वो सारी चीजें। एंटरटेनमेंट अगर आप देखेंगे की चीजें आप देख रहे हैं, तो वो भी सब क्लाउड पर है। अब मैं आता हूँ ऑफलाइन पर, मान लीजिए ऑफलाइन पर मेरा एक, ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कोई भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स रखे, यहाँ पर पिक्स रखे है, वो आप नहीं एक्सेस कर पाएंगे दूसरे कंप्यूटर में, ये कहीं और सिटी पर है, कहीं और सिटी में, तो आपको यहाँ से पेन ड्राइव से फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको दूसरे यूजर के पास जाना होगा, तब आप उसको शेयर कर पाएंगे और चेक कर पाएंगे, ठीक से। अब मैं आपसे बताता हूँ, मान लीजिए मैं एक आईटी इंडस्ट्री का एग्जांपल लेता हूँ, मुझे एक प्रोजेक्ट पर काम करना है और उसमें दो से ज्यादा भी डेवलपर्स होते हैं जो काम कर रहे हैं, अलग अलग सिटी में बैठे, तो या एक ही सिटी में है पर वो उनका जो घर का डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर। अब उनको अचानक से रिक्वायरमेंट हुई कि भाई मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, तो ऐसे में क्या होगा, या तो आप उसमें आप सीडी, या तो सीडी डीवीडी चलती थी वो उसमें जाएंगे, या फिर आप किसमें ले जाएंगे, आजकल जो पेन ड्राइव देखी होगी आपने, उस पेन ड्राइव में उसको लेकर जाएंगे, तो ये मैं लिख देता हूँ पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव में लेकर जाएंगे। तो अब दोस्तों जब तक वो यहां से आप यहां पर जाएंगे दूसरे कंप्यूटर के पास, तो आप उसके बीच में देखिए समय कितना लग रहा है, एक पॉइंट, एक तो टाइम यहां पर हमारा बहुत लग रहा है, दूसरा अब आप प्रोजेक्ट बना रहे तो आपको रिक्वायरमेंट होगी कि हाँ मेरे, मुझे एक रैम की जरूरत है, ठीक है, मुझे सीपी की जरूरत है, सीपीयू की जरूरत है, अब सीपीयू जरूरत है, रैम जरूरत है, तो ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा, फिर आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें। तो आप सोचिएगा दोस्तों, एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसका खर्चा आपको आना है कम, लेकिन जो उस आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं उसका, या वो सारी चीजें, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी आपको इसमें, तो वो सॉफ्टवेयर आपको डालने पड़ेंगे, तो उसके लिए कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, और सबसे पहली बात आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे इससे,
आप जो भी चीज है आप पेन ड्राइव में या सीडी में लेकर आप दूसरे यूजर के पास जा रहे हैं, तो ये तो रहा ऑफलाइन का। तो इसमें तो बहुत ही मुश्किल होगा प्रोजेक्ट बनाना। तो ये पहले ऐसे ही चलता था, काफी साल पहले अगर जाए स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होता था, बहुत मुश्किल हो जाता था। अब आता हूं मैं, जो मॉडर्न जमाना आ गया उसमें क्लाउडिंग कंप्यूटर का बहुत ज्यादा योगदान हो रहा है और बहुत ही रिक्वायरमेंट हर कंपनी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जा रही है। अब क्यों जा रही है सुन लीजिए, यहाँ पर है यूजर वन, ठीक है यूजर वन, यहाँ मान लीजिए ये यूजर वन है, ठीक है ये किसी और सिटी में बैठा है सिटी थ्री, और ये है यूजर टू, ये सिटी फोर में, यूजर फोर ये सिटी टू में, ये यूजर थ्री ये सिटी किसी और में। अब अभी तक तो अलग अलग है, सोचिए अगर यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग ना हो और इनको एक प्रोजेक्ट बनाना हो और वो प्रोजेक्ट का काम चलेगा कैसे। तो उसको हम एक एक ना एक सेंट्रलाइज जो जगह है स्पेस है वो तो हमें चाहिए ना, तो वो जो जगह है वो हमें देता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखिए यहाँ मैं बताता हूँ, यहाँ पर हमने ईसी टू मैंने लिख के दिखा, AWS जैसे AWS जो अमेजोन वेब सर्विसेज वो ये अवेलेबल कराती है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ठीक है ना, और ये सर्विस जैसे आप यहाँ देख रहे हैं IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है यह हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और ये हो गया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इस तीन तरह की सर्विस है वो सारी ये अवेलेबल कराती है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, तो देखिए ईसी टू यहाँ पर अमेजोन पर मिल जाएगा। इसी तरह से आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट की एज्यूर हो गया, गूगल का गूगल क्लाउड हो गया, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां ये चीजें प्रोवाइड कराती है। तो हम इसका आजकल बहुत ही ज्यादा यूज बढ़ गया, तो मैं हम यहाँ पर सीरीज करें AWS। तो अब देखिए यहाँ पर एक स्टोरेज ले लिया, एक कंपनी जिसने स्टोरेज ले लिया है इसी चीज के लिए, तो उसने क्या किया यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटर का एक स्टोरेज लिया, और यहाँ पर जो उस यूजर वन यानी कि डेवलपर वन, अब इससे अब यहाँ से क्या होगा, डेवलपर वन जो था वो यहाँ जुड़ गया, एक यूजर है वो यहाँ जुड़ गया और एक यूजर भी इससे जुड़ा है, यूजर हो या फिर डेवलपर हो, ठीक है वो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताता हूँ, मान लीजिए डेवलपर ही मान लीजिए जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा उनके साथ काम करना, प्रोजेक्ट को रख दिया गया क्लाउड पर। अब आपको यहाँ पे पेन ड्राइव लेकर भागने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ये सिस्टम वाला यूजर वन टू इसके जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है चाहे वो किसी भी सिटी में हो। अब आपको एक सेंट्रलाइज जगह मिल गई है, यहाँ पर आप जो भी आप चाहे यहाँ पर प्रोजेक्ट आपने रख दिया, अब इसी प्रोजेक्ट को आप एक्सेस कर रहे हैं चार डेवलपर या इससे ज्यादा हो सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है। तो अब यहाँ बैठे बैठे अब आपको फाइल अब क्या करना होगा, आपने जैसे एग्जाम्पल देखो ईमेल सेंड करना, तो ये सारी चीजें जो है क्लाउड पर ही है। अब यहाँ पर आप ईमेल सेंड करके आपस में ईमेल सेंड कीजिए या आपको फाइल सेंड करनी है वो आपस में आप शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कितना खर्चा आ रहा है देखिए एक प्रोजेक्ट बनाने में, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारी चीजें यहाँ पर है। अब मान लीजिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो वो आपको ये उपलब्ध कराएगा अवेलेबल कराएगा, प्लेटफॉर्म चाहिए आपको प्लेटफॉर्म देगा, सॉफ्टवेयर चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ देगा। तो आपको जितना आप यूज करेंगे उतने ही वो आपसे चार्जेस लेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए आपने सोचा था मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ उसमें यूजर एक्सेस करेंगे कुछ, मान लीजिए अचानक आपने बनाई वेबसाइट के इसमें 1000 यूजर्स जो एक्सेस कर पाएंगे, अचानक क्या हुआ कि आपके 2 लाख जो है यूजर्स आ गए, तो कितना लोड बढ़ गया। अब क्या करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे इसको कैसे स्केल अप करेंगे, तो वो सारी चीजें आप जो मेंटेनेंस का काम वो सारा W3 AWS ये जो सर्विसेज है कंपनी वो उनको मैनेज करती है, बस आपसे चार्जेस लेती है। यहाँ पर सब आपको करना पड़ रहा था ठीक है इधर, लेकिन आपको सिर्फ थोड़ा सा पे करना होगा। यूजर्स अगर ज्यादा बढ़ गए तो आप जो इसमें स्पेसेस वगैरह है जो भी रिक्वायरमेंट वो सर्विसेज है उसको आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अचानक यूजर आपके घट गए 2 लाख आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है तो आप उसको फिर स्केल डाउन कर सकते हैं, मतलब कि आप जितनी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से चल सकते हैं। तो यानी कि आप कह लीजिए फ्लेक्सिबिलिटी हो गया और कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, तो हम आगे वाले वीडियोस में समझेंगे, स्केलेबिलिटी हो गया, तो ये सारी चीजें आपको ये सर्विसेज प्रदान करती है, यानी कि क्लाउड कंप्यूटर जो भी आपके सिस्टम से सारे अगर क्लाउड पर ये क्लाउड पर जो मतलब कि आपको एक इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, जो भी सिस्टम इंटरनेट पर जुड़े होते हैं इंटरनेट तो चाहिए इसमें क्लाउड कंप्यूटर पर, ठीक है। और जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल बताया था कि जिस समय आप एक्सेस कर रहे होते हैं क्लाउड से कोई भी फाइल या आप सेव कर रहे होते हैं गूगल ड्राइव में, तो वहां पर एक इंटरनेट चाहिए कनेक्शन, तो वो उससे कनेक्ट हो रहा होता है और आप उसको बार बार कहीं भी किसी सिटी में जाकर उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक इसी तरह से ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है जो ये सर्विस देती है, तो जितना आपसे वो इतना ही चार्ज करेंगे जितना आप यूज कर रहे हैं।
चाहे वो आवरली हो। अगर मान लीजिए आपको अब यहाँ अपने लैपटॉप में कोई भी कोई ऐसा भी नहीं देखने की जरूरत है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे तैयार करना है, कितना आपको एक्स्ट्रा, कितना मेंटेनेंस का खर्चा जो आना है वो भी नहीं है, तो वो खर्चा क्या होगा यहाँ पर जो क्लाउड पर होगा, वो जितना आप यूज कर रहे हैं इतना खर्चा होगा। मान लीजिए आपको, आप बीमार हो गए, आपको दवाई लेकर आनी है और डॉक्टर ने दवाई लिखी है, तो उसका जो दवाई आनी है तो वो आनी है आपको 300 रुपए की, 300 रुपए की दवाई आनी है, शीशी आनी है पीने वाली। लेकिन आप हुआ क्या, आपको 2 दिन पीनी थी वो, तो आपको शीशी तो 300 रुपए की पड़ी, लेकिन आके आपने 2 दिन पी और आप ठीक हो गए, यानी कि 100 रुपए दवाई में खर्च हो गया, 100 रुपए खर्च हो गया, बाकी 200 रुपए आपके वेस्ट गए, आपने दवाई वो फेंकनी पड़ी। तो यहाँ पर वो चीज अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जितना आप यूज कर रहे हैं उतने के जो कंपनीज है वो उतने ही चार्जेज यहाँ पर काटती है, और आपका जो बिजनेस है वो ऊपर नीचे जा सकता है, उसी के अकॉर्डिंग चार्जेस होते हैं। ठीक है, यूजर्स ज्यादा आ जाते हैं आपकी वेबसाइट पर एक्सेस करने वाले, तो उस हिसाब से आप अपना जो आप स्केल कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, सर्विसेज को बढ़ा सकते हैं। और अगर नीचे आ जाए यानी डाउन हो रहा है बिजनेस, तो आप बिजनेस डाउन हो रहा है तो वहां पर आप डाउन आ सकते हैं, सर्विसेज कम कर सकते हैं, या ये सारी चीजें हैं। आई थिंक आपको पता चल गया हो, एक आइडिया तो मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं और वहां देखेंगे कि EC2 हम AWS सर्विस का हम यूज करेंगे, और वहां सबसे पहला देखेंगे EC2 यानी कि जो हम इलास्टिक यानी कि जो मशीन बनाएंगे वहां पर कैसे बनाते हैं वर्चुअल मशीन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ मुझे EC2 लिखना था, यहाँ पर EC2, तो EC2 लिखा हुआ यहाँ पर। ठीक है, इलास्टिक कंप्यूटर कंप्यूटिंग से मतलब होता है इसका, तो यानी 2 बार सी आ रहा है यहाँ पर, इसलिए 2 बार EC2 कर दिया गया है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इतना कीमती समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं हम किस तरह से वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं AWS में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।